नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोगों की बहुत से डिमांड थे कि जो यूपी बोर्ड क्लास 10th का फुटप्रिंट विदाउट फिट में नेकलेस चैप्टर दिया है उसमें जो मेन कैरेक्टर है मटिल्डा, इसका कैरेक्टर स्केच कराइए। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपको हेडिंग डालनी है तो हेडिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा बताया है कि मटिल्डा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी द नेकलेस, यानी कि मटिल्डा नेकलेस नामक कहानी में मुख्य पात्र है। सी वॉज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल लेडी, वह अत्यधिक ही सुंदर महिला है। यथी वट रिमेंड डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ, लेकिन वह अपने जीवन से बहुत ही निराश थी या दुखी थी। सी यूज टू कीप ऑन क्राइंग फॉर द लैक ऑफ कम्फर्ट्स इन हर लाइफ। सी यूज टू कीप ऑन क्राइंग, वह रोना जारी रखती थी या रोती रहती थी फॉर द लैक, कमी से, ऑफ कम्फर्ट्स, आराम की, इन हर लाइफ, अपने जीवन में। अपने जीवन में आराम की कमी के कारण वह रोने लगी रहती थी। सी ऑलवेज डिजायर्ड टू अटेंड पार्टीज, और उसकी हमेशा पार्टियों को अटेंड करने की इच्छा होती थी, एंड डिनर्स, और डिनर करने की। क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट वॉज, यह था बिकॉज ऑफ हर डिससेटिस्फाइड स्पिरिट, उसकी असंतुष्ट आत्मा के कारण, यह सब उसकी असंतुष्ट आत्मा के कारण था। सी फाउंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को पाया इन ट्रबल, परेशानी में। व्हेन जब सी लॉस्ट हर फ्रेंड्स डायमंड नेकलेस, उसने अपने आप को परेशानी में पाया जब उसने अपनी सहेली के डायमंड यानी हीरे के हार को खो दिया। हर लाइफ बिकेम अ हेल, उसका जो जीवन था वह एक नर्क बन गया। वट आफ्टर दैट, लेकिन इन सभी चीजों के बाद सी सॉफ्ट करेज, उसने साहस दिखाया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, साहस दिखाया और आगे आप लिख सकते हैं एंड और फेस्ड, सामना किया ऑल द प्रॉब्लम, सभी परेशानियों का। इट टोक हर अ डिकेड टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स, और इस बात ने सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे बाध्य किया। सी लॉस्ट हर ब्यूटी आल्सो, उसने अपनी अपनी सुंदरता थी उसे भी खो दिया। तो इस प्रकार से आप बहुत आसान शब्दों में आप मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूल दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।